गोवर्धन के बाजारों में दुकानदार द्वारा रोस्टर प्लान का पालन नहीं किया जा रहा है। यहां दुकानदार प्रतिदिन दुकान खोलकर बाजारों में भीड़ भरा रहे हैं। लॉकडाउन ओपन के प्रथम चरण में जहां प्रशासन ने व्यापारी वर्ग को राहत प्रदान करते हुए बाजारों को रोस्टर प्रणाली के तहत खोलने के दिशा निर्देश जारी किए हैं, वहीं अब व्यापारी वर्ग अपनी मनमानी करते हुए रोस्टर प्रणाली की धज्जियां उड़ाते हुए दुकानों को खोलकर बाजार में भीड़ भड़ा रहे हैं। प्रशासन द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार दुकानदारों को एक दिन छोड़कर एक दिन दुकान खोलने की अनुमति है, जिसमें कपड़े, जूते, चप्पल, सौंदर्य प्रसाधन आदि को एक वर्ग में, वहीं इलेक्ट्रॉनिक सामान, मोबाइल आदि की दुकानों को एक वर्ग में रखा गया है। लेकिन गोवर्धन के बाजारों में जो नजारा देखने को मिला है वो बिल्कुल ही अलग है। कई मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक की दुकान नियमानुसार बंद होने वाले दिन भी खुली देखी गई। मंडल के पदाधिकारियों से इस विषय में बात की तो उनका कहना था कि व्यापारियों को कई बार समझा दिया गया है, लेकिन इसके बाद भी अगर वो नहीं मानते हैं तो प्रशासन को उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। अब देखना होगा प्रशासन ऐसे दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए इस प्रकार रोस्टर प्रणाली के तहत बाजारों की व्यवस्था को बना पाता है, अथवा ऐसे ही नियमों को ताक पर रखकर दुकानदार अपनी मनमानी करते रहेंगे और बाजार में भीड़ बढ़ाकर संक्रमण को दावत देते रहेंगे। मंच न्यूज के लिए गोवर्धन से नरेश उपाध्याय की रिपोर्ट।